औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर एंटोमोलॉजिस्ट, वेटरनरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन चैनल से मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मजहर अयाज, चुरिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज बहावलपुर से। आज जिस टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैलोमा जीनस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिक्स हैं जो कि आमतौर पर कांगो फीवर फैलाने का बायस बनते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी और बीमारियां भी जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को आगे फैलाने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो वेटरनरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन चैनल से आए आज हम हैलोमा के बारे में पढ़ते हैं। जीनस हैलोमा आमतौर पर इनऑर्नेट होते हैं, इनके ऊपर कोई ख़ास नक्श व निगार नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑर्नेट होते हैं। इनकी आइज प्रेजेंट होती हैं, फेस्टून्स किसी में प्रेजेंट और किसी में एब्सेंट होते हैं, हैपोस्टोम और पैल्प्स इसके लॉन्ग होते हैं, और मेल जो हैं उनके ऊपर एड एनल शील्ड का एक पेयर होता है, और इनके सांस लेने के लिए जो स्पेरिकल्स होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं और आमतौर पर मेल में, और ट्रायंगुलर होते हैं फीमेल में। और इनके अलावा जो इनके एनल ग्रूव्स हैं वो पोस्टीरियरली एनस को एम्ब्रेस कर रहे होते हैं, और इनकी जो आइज जो प्रेजेंट होती हैं वो ऑर्बिटेड और बल्जिंग आउट होती हैं। जो इनके बेसिस कैपिटुलाई हैं वो आमतौर पर सब रेक्टेंगुलर हैं, और जो इनके पैल्पाई हैं वो बेसिस कैपिटुलाई से बहुत बड़े होते हैं। आमतौर पर इनकी जो लेग्स होती हैं स्ट्रिप्ड होती हैं, और जो वेंट्रल प्लेट्स होती हैं मेल में एड एनल, सब एनल और एक्सेसरी प्लेट्स वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये आमतौर पर बबेजिया कैबलाई, बबेजिया इकोआई, थिलेरिया, एरिकेट्सिया बोविस को भी बहराने का बायस बनते हैं। हैलोमा की 25 स्पीशीज़ हैं, और आमतौर पर ये टू होस्ट हैं, लेकिन बार दफ़ा ये थ्री होस्ट टिक्स भी होते हैं। इनके लार्वे और निम्फ जो हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर, ये बर्ड्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इनके जो एडल्ट होते हैं वो आमतौर पर डोमेस्टिक रूमिनेंट्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स को अपनी उनको खुराक वहाँ से लेते हैं। हैलोमा प्लम्बम, प्लम्बम ये आमतौर पर टू होस्टिक है, और इसके अलावा हैलोमा इजिप्शियम और एनाटोलियम, एशियाटिकम, ड्रोमेडरी, और ये वो हैलोमा हैं जो कि आमतौर पर काफ़ी अहम और काफ़ी जाने पहचाने हैं, जिनमें हैलोमा मार्जिनेटम भी शामिल है। तो ये आप हैलोमा को देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर ऑर्नोमेशन जो एब्सेंट है, आइज इनकी बल्जिंग आउट हैं, पेल्पाई इनकी लॉन्ग हैं, और इनकी लेग्स जो हैं स्ट्रिप्स हैं, और फेस्टून्स इनके प्रेजेंट हैं लेकिन वो आमतौर पर मिले हुए हैं। एडेनल प्लेट्स को अगर इनको देखें, एक्सेसरी प्लेट्स को देखें, सब एनल प्लेट्स को देखें, तो वो आमतौर पर एनल ग्रूव को के साथ मौजूद होती हैं। और अगर इसके बारे में मज़ीद डिटेल से हम बात करें
तो हाइलोमा स्पीशीज के बारे में किसी की दूसरी राय नहीं है कि ये क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर, या जिसको हम उर्फ आम में कांगो फीवर कहते हैं, और पाकिस्तान में भी काफ़ी जगहों पे इसकी रिपोर्ट्स मिली हैं, ये उनके वायरस को आगे ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा ड्यूबीज वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, वेंजवेलियन इकोइन इंसेफ्लाइटिस वायरस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस और कैसेनोर फॉरेस्ट डिजीज के वायरस को फैलाता है। जबकि इसके साथ साथ जो कुछ बैक्टीरिया और रिकेट्स को भी ये ट्रांसमिट करने में अपना रोल प्ले करता है, जिसमें रिकेट्सिया, इशलीमैनी और इसके अलावा एनाप्लाज्म मार्जिनेल और कॉक्सिल्ला ब्रोंटाई शामिल हैं। हेलोमा कैटल में थिलेरिया एनुलेटा, जो कि ट्रॉपिकल थिलेरियोसिस या मेडिटेरेनियन थिलेरियोसिस, थिलेरिया ओरिएंटालिस और जो थिलेरिया ओरिएंटालिस ओरिएंटालिस थिलेरियोसिस एंड बेबेजिया ऑकुलेंट्स के भी जो एजेंट है उनको भी आगे फैलाता है। स्मॉल रूमिनेंट्स में थिलेरिया लेस्टोकॉडी और थिलेरिया ओवेस को फैलाता है, जबकि जो हॉर्सेज हैं उनके अंदर थिलेरिया इकोआई, थिलेरिया बेबेजिया कैबलाई भी शामिल हैं, ये उनको भी आगे ट्रांसमिट करता है। क्योंकि ये मोस्टली ज़मीन में बरो करके रहता है और इसकी ट्रांसमिशन के अलावा जो ब्लड को स्पाइलेशन में भी ये अपना रोल प्ले करता है, और हायलोमा के जो टिक्स हैं वो ऐसा जख्म बनाने में माहिर हैं जो कि आगे उनकी डिजीज या उसका जो आगे इन्फेक्शन है वो आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स में इसका इन्फेक्शन काफ़ी मशहूर है कि जो आगे काफ़ी सारी और प्रॉब्लम भी, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काज करने में अपना सानी नहीं रखता। तो आई होप कि आपको हेलोमा के बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिल गई होंगी कि ये किस तरीके से हमारे एनिमल्स के लिए और हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह की नित नई मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जी, थैंक यू।